हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 28 साइज सब्यसाची ब्लाउज फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन भी आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का रेडी लेंथ है 12.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 13.5 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, ये डिप नेक पे होगा इसलिए मैंने 4.5 इंच लिया शोल्डर। और आर्म होल लिया है 5 इंच और चेस्ट है 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होते 7 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है। अभी जितना मैंने आर्म होल लिया है उसको हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दूंगी। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच, मतलब नेक विथ लिया है 2 इंच। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 10 इंच, आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने 10 इंच लिया है। और सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है बैक साइड में इसी तरह से। और जितना मैंने चेस्ट लिया था उसको इस तरह से हाफ करते हुए टेकन के लिए एक मार्किंग कर दिया है। और टेकन का लंबाई दिया है मैंने 3.5 इंच और साइड से मैंने हाफ इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और ये डीप नेक में है इसलिए मैंने नेक की साइड में हाफ इंच डाउन करते हुए मार्किंग कर दिया है। अभी मैंने कटिंग नहीं किया है डाउन करते हुए शोल्डर को, लेकिन आप लोग जब भी ब्लाउज सिलाई करेंगे तो फ्रंट साइड में मतलब नेक की साइड में हाफ इंच डाउन करते हुए नेक को सिलाई कर लेना, तो जो शोल्डर है वो कभी गिरेगा नहीं। और वैसे भी ये शोल्डर गिरेगा नहीं क्योंकि ये नेक का चौड़ाई मैंने सिर्फ 2 इंच लिया है, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से मैंने थोड़ा सा गुलाई का शेप फैला हुआ दिया है। तो मैं अभी कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो ये जो मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी उसके ऊपर मैंने रखा है और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूँगी इस तरह से, मैंने मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट नेक का डीप रखूँगी 7 इंच, ये सब्यसाची ब्लाउज है उसका जो डीप है थोड़ा सा ज़्यादा डीप देने से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने 7 इंच रखा है और पान गला का शेप दे दिया है फ्रंट साइड में। और हाफ इंच अंदर रखते हुए जो मैंने आर्म होल का गुलाई दिया था, मतलब 1.5 इंच दिया था ना, 1.5 इंच दिया था बैक साइड में। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है इसलिए मैंने हाफ इंच अंदर रखते हुए और एक गुलाई का शेप दे दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए लिया है मैंने 9 इंच, शोल्डर से नीचे तक मैंने टक्स पॉइंट के लिए 9 इंच लिया है और यह साइड से 3 इंच लिया है। और जहाँ मैंने टक्स पॉइंट लिया था उससे 3 इंच नीचे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है 1 इंच पे। अभी उसको इस तरह से मिला दूंगी। और ये देखो जो मैंने आर्म होल लिया था, आर्म होल को इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ ताकि जो शेप है सब्यसाची ब्लाउज का उसका शेप बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए इसलिए। और देखो इस तरह से मैंने 1 इंच लिया है जहाँ मैंने आर्म होल लिया था, 1 इंच साइड से मैंने इस तरह से लेते हुए जो शेप है शेप दे रही हूँ। तो सब्यसाची ब्लाउज का एक शेप देना हो गया है इसी तरह से। अभी उसको इस तरह से तिरछा करते हुए लाइन को मैंने इस तरह से कर दिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए ये साइड से मैंने लिया है 2.5 इंच और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए क्योंकि फ्रंट साइड में ये काट जाता है ना, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि सिलाई मार्जिन अच्छी तरह से हो जाए। और उसको इस तरह से बेल्ट का मैंने शेप भी दे दिया है और साइड से मैंने और 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर दिया है। तो देखो 2.5 इंच मैंने नीचे से लिया है बेल्ट के लिए। तो मेरा ये जो सब्यसाची ब्लाउज है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान से ये जो ब्लाउज है वो कटिंग करना, जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था उसके ऊपर ऊपर ही मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ।
हमें सिर्फ जो बेल्ट का पार्ट है वो ही बड़ा करना है। तो देखो दोनों पार्ट इस तरह से होगा। अभी उसको जब आप लोग सिलाई करेंगे इसको इस तरह से सिलाई कर लेना, परफेक्ट आ जाएगा उसका शेप। तो अभी जो बेल्ट पार्ट है बेल्ट पार्ट कटिंग करूँगी। तो ये जो बैक पार्ट है बैक पार्ट का जो नीचे की साइड में कमर का जो लंबाई है मतलब चौड़ाई है, चौड़ाई ले लिया है। और ये साइड से मैंने लिया है 4.5 इंच और ये साइड से लिया है 2.5 इंच। अभी इसमें जो बेल्ट है सोचिए ब्लाउज का बेल्ट का शेप दे दूंगी। तो देखो बेल्ट का शेप भी देना हो गया है, अभी उसको कटिंग कर लूंगी। और सोचिए ब्लाउज का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो डायरेक्ट फैब्रिक में मैंने अपलोड किया है वीडियो, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। तो देखो ये पार्ट हो गए है कटिंग करना, और ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। मतलब पहले एक नंबर पार्ट के साथ दो नंबर पार्ट सिलाई करना होगा, उसके बाद बेल्ट का पार्ट सिलाई करना होगा। तो मैंने इस तरह से एक नंबर दो नंबर तीन नंबर दे भी दिया है, मतलब बेल्ट का जो पार्ट है वो भी लिख दिया है। तो उसको इस तरह से होगा। और फ्रंट साइड में भी मैंने जो शोल्डर होता है 1/2 इंच नेक की साइड में डाउन करते हुए मार्किंग कर दिया है ताकि सिलाई करते टाइम आसानी हो। अभी स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है बैक पार्ट से मैंने मेजरमेंट लिया है तो आया है 7.5 इंच। तो स्लीव के लिए जो पेपर है पेपर को मैंने 2 फोल्ड कर लूँगी। आप लोग डायरेक्ट मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करना स्लीव को। तो स्लीव का चौड़ाई लिया है मैंने 7.5 इंच और स्लीव का लंबाई लिया है मैंने 5.5 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना लंबाई ले सकती है। तो देखो मैंने जितना लंबाई लिया है उससे नीचे 2.5 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया है, क्योंकि ये जो ब्लाउज का साइज है वो भी छोटा है और स्लीव भी छोटा है इसलिए। और ये साइड से 2 इंच लिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है और जो स्लीव है स्लीव का मैंने शेप दे दिया है। और मुहूरी लिया है मैंने 4.5 इंच, एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। तो मार्किंग करना भी कंप्लीट हो गया है, अभी इसको कटिंग कर लूंगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखो स्लीव का फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया है। तो हमारे ये जो पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और ये 28 साइज का है वो मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि मुझे ये एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 28 साइज का सोचिए ब्लाउज का फॉर्मा कटिंग देने के लिए। तो वही दीदी के लिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। और आप लोगों को मेरे ये कटिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।